कटहल भी टेस्टी हो सकता है, ये किसने ही सोचा था। मतलब कटहल एक ऐसी चीज है जिसको घर में पसंदीदा बनाने की जंग हमारी माओ ने भी बहुत पहले ही लड़ के हार के छोड़ दी है। और सही बात है, कौन ही है जो इसको किचन की एक फ्रीक्वेंट बनने वाली सब्जी बनाने की कोशिश भी करेगा। वेल लेट मी टेल यू कि भाई एक एंटरप्रेन्योर ऐसा है। नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल क्लासिक पीपल्स। और आज हम बात कर रहे हैं शार्क टैंक पर आए एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जिसने सारे शार्क्स का दिल भी जीत लिया और शॉली टीवी पर उनको देख रही सारी महिलाओं का और माओ का भी। वाओ, सुनने में एक ऐसा ब्रांड जिसे सुनकर ही ट्राई करने का, कम से कम एक बार ट्राई करने का तो मन जरूर करे। वका फूड्स के एंटरप्रेन्योर ने इस जैक फ्रूट में ही अपना जैकपॉट ढूंढ लिया। इस कंपनी के खुलने की कहानी कुछ ऐसी है कि सायराज धौंद सिर्फ ये जानते थे कि वो एक कंपनी, अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं। और बस एक बार वादियों की राहों में घूमते हुए उन्हें अपने करियर की भी राह दिख गई, उन्हें जैकफ्रूट दिख गया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कटहल को सबका मन पसंदीदा बना के रहेंगे। वका फूड्स बेसिकली इंडिया की पहली ऐसी ब्रांड है जो जैकफ्रूट के प्रोडक्ट्स बनाती है। अब वका फूड्स की यूएसपी जो उसे और रेडी टू कुक फूड सेलिंग ब्रांड से अलग बनाती है वो ये है कि कंपनी के क्लेम के हिसाब से वका फूड्स के प्रोडक्ट्स में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं यूज होते। ये 100% नेचुरल है और फिर भी इसकी लाइफ 1 ईयर होती है। और गेस व्हाट, इन प्रोडक्ट्स को रेफ्रिजरेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब कटहल सेहत के लिए कितना अच्छा है ये हम सब जानते हैं, पर हम ऑब्वियसली कटहल को, एक ऐसी कटहल जैसी सब्जी को डिनर टेबल पे तो इमेजिन नहीं कर सकते। हालांकि वका फूड्स इसी कटहल को घर घर का फेवरेट बनाने के एम से आया है। ये वका फूड्स हेल्दी और सस्टेनेबल फूड अपने कस्टमर तक पहुंचाने के एम से जैकफ्रूट को डिफरेंट स्पाइस वेरिएशन से टेस्टी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रेडी टू कुक है तो बेसिकली हेल्दी भी, टेस्टी भी और आपकी एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा बिजी लाइफ से कोप अप करने के लिए परफेक्ट। और यही है वका फूड्स की खासियत जिससे सभी शार्क्स इम्प्रेस हुए और जिसने सभी शार्क्स का दिल जीत लिया। सिर्फ कंपनी के ग्रोइंग स्टैटिस्टिक और प्रेजेंटेशन से ही नहीं बल्कि अपने टेस्ट से भी। अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्या था इस कंपनी के बारे में जिसने किया शार्क्स को सबसे ज्यादा इम्प्रेस। सबसे पहले वका फूड्स की सेल्स। एपिसोड शूट होने के टाइम पर कंपनी को कुछ 10 महीने हो चुके थे और 10 महीने में कंपनी की सेल्स एक रेडी टू कुक फूड बेचने वाली कंपनी की सेल्स कुछ 60 लाख रही। शार्क अनुपम का तो ये भी सवाल था कि जब पैसा है तो शार्क टैंक की क्या जरूरत है, जिस पर अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से इम्प्रेस करते हुए सायराज ने जवाब दिया कि वो मार्केट डिसरप्ट करना चाहते हैं, कि जो 50 करोड़ वो 10 साल में कमाएंगे वो उस 50 करोड़ के लिए और वका फूड्स को पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए इतना वेट नहीं करना चाहते और इसलिए उन्हें मार्केट डिसरप्ट करने के लिए सपोर्ट चाहिए एक्सपीरियंस्ड शार्क्स का। सायराज के डेडिकेशन, प्रेजेंटेशन और आइडिया से इम्प्रेस हुए शार्क्स में से तीनों फीमेल शार्क्स विनेता, नमिता और गजल ने मिलकर दिया उनको ऑफर, जो काफी सारे नेगोशिएशन के बाद डिसाइड हुआ कि सायराज, नमिता, गजल और विनेता को 75 लाख के बदले में 21% इक्विटी देंगे। और तीनों फीमेल फिगर्स जिनको उन्होंने तीनों माओ के नाम से भी रेफर किया उनके साथ वका फूड्स को पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाएंगे। सिर्फ शार्क टैंक के शार्क्स ही नहीं, इस एपिसोड के बाद वका फूड्स ने लिटरली हर वो इंसान जो हेल्दी पैकेटेड फूड की तलाश में था और हर वो माँ जो अपने बच्चों की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी उनका दिल जीत लिया। करेंटली वका फूड्स Amazon, Flipkart, क्रेड और बिग बास्केट जैसे ब्रांड्स पर आ गया है। उसके अलावा वकाओ की अपनी खुद की वेबसाइट भी है। कमाल की बात यह है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो वका फूड्स का पहला साल था उसमें वका फूड्स का टर्नओवर ऑलमोस्ट 1 करोड़ रहा, जिसके बाद एक इंटरव्यू में वकाओ के फाउंडर ने ये भी बताया कि किस तरह इस साल इस टर्नओवर को 25% से 25% से इंक्रीज करने का एम है।
और किस तरह फाइनली ये ब्रांड ग्लोबल मार्केट में अपने पाव रखने की तैयारी कर रहा है। और कंपनी 15 कंट्रीज को अपना सैंपल दे चुकी है मार्केट में एंटर करने के इरादे से। वकाओ के सीईओ की डिटर्मिनेशन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से सिर्फ शार्क्स ही नहीं पब्लिक भी काफी ज्यादा इम्प्रेस तो हुई। पर सवाल ये है कि क्या सच में जो स्पेशली यूथ पॉपुलेशन है वो भी इन कटहल के प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में जगह देगी? आपका इस पर क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लासिक पीपल्स।